जैसा भी मैंने बताया कि अगर हम अपने पैनल को ADB में ऐड नहीं करते हैं तो ये अदर लोकेशन पे विजिबल नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना है, हमें अपने पैनल को ADB में ऐड करना है। यहाँ से क्लिक करेंगे, मेन पैनल को ADB में ऐड कर देंगे। यहाँ से जस्ट ऐड पे क्लिक करना है और ये ऐड हो जाएगा। अब देखिए, ऐड वाला जो ऑप्शन है वो हट चुका है, वो डिसेबल हो चुका है। एडिट, डिलीट और आइसोलेट का ऑप्शन आ रहा है। अब मैं इसको एज इट इज रहने दे रहा हूँ, कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये कार्ड फॉर्मेट का ऑप्शन है, कार्ड फॉर्मेट में हमें कुछ नहीं करना है, एज इट इज छोड़ देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे टाइम जोन का ऑप्शन आ रहा है, ये हमारे अवेलेबल टाइम जोन है ये, और ये हमारा सिलेक्टेड टाइम जोन है। यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा हमें रखना है। अभी ऑलवेज ऑन का टाइम जोन सिलेक्ट है, जो जिसमें हमेशा ऑन रहेगा, हमेशा एक्सेस मिलेगा, तो हमें उसको यही रखना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है सबसे पहले एंटी पासबैक का। तो एंटी पासबैक में क्या होता है, ऐसा कई बार होता है कि कोई पर्टिकुलर यूजर बिना कार्ड यूज किए एंट्री ले लेता है। क्या होता है, जैसे एक एम्प्लॉय ने कार्ड लगाया, गेट ओपन हुआ, उसके पीछे पीछे दूसरा कार्ड एम्प्लॉय भी चला गया बिना कार्ड दिखाए। तो जब वो वापस आने के लिए अपना कार्ड शो करेगा रीडर पे, तो वो उसको एक्सेस नहीं देगा, एग्जिट नहीं होने देगा। तो वो जो फीचर होता है वो एंटी पासबैक का फीचर होता है। तो इसको अगर हम देखिए अनेबल करते हैं, यहाँ दो चीज आती है, एक लोकल आती है, एक ग्लोबल आती है। लोकल मतलब सेम पैनल पे, सेम डोर पे। अगर सेम डोर के लिए चाहिए तो लोकल यूज करेंगे। अगर जितने भी उस एरिया में उस सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड डोर हैं उसके लिए चाहिए तो ग्लोबल। ग्लोबल मतलब पूरा एरिया। तो और ये लोकल ग्लोबल का कॉन्सेप्ट है। तीसरा है ये यहाँ पे फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस में क्या होता है कि एक्सेस तो मिल जाएगा, एंट्री उसको एग्जिट तो मिल जाएगा, वो एग्जिट हो जाएगा, बट एक एरर अलार्म मैसेज जनरेट होगा कि ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय विदाउट कार्ड के एंट्री ली है और एग्जिट लिया है, विदाउट कार्ड का एंट्री ली है इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने, तो उसको फॉरगिवनेस बोलते हैं। ये हमारा ऑप्शन हो गया फॉरगिवनेस और एंटी पासबैक का। नीचे जाते हैं, कीपैड पिन हमें कुछ करना नहीं है, कंटिन्यूस कार्ड रीड रहेगा, रिवर्स LED रहेगा, ओके है। कमांड फाइल में कुछ नहीं, इनिशियलाइजेशन कमांड को हमें नहीं छेड़ना है कभी भी। और उसके बाद सेकंड है यह साइट कोड का। साइट कोड इसमें जीरो डाल देते हैं, देखिए ऐसे रहेगा आपको साइट कोड। तो इसमें साइट कोड आपको मिलेगा जहाँ से आप अपना कार्ड लेते हैं, तो वो कार्ड जो प्रोवाइडर होगा वो आपको साइट कोड देगा। वो साइट कोड यहाँ पे एंट्री लेनी करनी है। सपोज आपका साइट कोड 123 या कुछ भी है, तो आप यहाँ पे एंट्री कर देंगे, उसका नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमारा आ जाएगा ऑप्शन इनपुट का। ये हमारा इनपुट, इनपुट मतलब हमारे सुपरवाइजरी कंट्रोल्स, सुपरवाइजरी SUP1, SUP2, SUP3, SUP4। तो उसका हम यहाँ पे अपना कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो SUP1 में, जो SUP1 है उसमें अभी कोई ADB नहीं है, उसको हमें ऐड करना पड़ेगा। SUP1 में हमने अपना एग्जिट स्विच लगा रखा है, या EDR इमरजेंसी डोर रिलीज लगा रखा है। तो यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड करना है। ऐड में यहाँ पे नाम के साथ ऐड कर देंगे। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है मेन पैनल इनपुट 1, इनपुट 1 लिखा हुआ है। तो इसके साथ हम सपोज हमने एग्जिट स्विच लगा रखा है या EDR लगा रखा है, कुछ भी लगा रखा है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं एग्जिट स्विच। यहाँ पे ओके कर देंगे, एग्जिट स्विच आ जाएगा हमारा, ये ऐड हो गया है। दूसरे बार हमारे सुपरवाइजरी 2 पे हमने सपोज मैग्नेटिक कॉन्टेक्ट स्विच यूज किया हुआ है, तो ऐड करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम अपना नाम डाल देंगे इनपुट 2 में, मैग्नेटिक कॉन्टेक्ट स्विच, ओके कर देंगे। ये हमारा ये भी आ गया, मैग्नेटिक कॉन्टेक्ट स्विच भी आ गया है। तो देखिए यहाँ पे वो कुछ सुपरवाइज के लिए नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज दिया हुआ है, और यहाँ पे शंट टाइम दिया हुआ है। तो सबसे पहले एग्जिट स्विच की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो सेकंड में टाइम दिया हुआ है, शंट टाइम 0 है। तो 0 का मतलब क्या है, बटन प्रेस करते ही तुरंत हमारा डोर ओपन होना चाहिए, तो तुरंत कमांड जाएगी तो 0 आएगा। और ये नॉर्मली ओपन रहेगा, हमारा जो एग्जिट स्विच है नॉर्मली ओपन स्टेट में रहता है, जब उसको पुश करते हैं तो वो क्लोज में जाता है, तो नॉर्मल स्टेट में ये ओपन रहेगा। नीचे आते हैं मैग्नेटिक कंट्रोल के लिए। मैग्नेटिक कंट्रोल में क्या, शंट टाइम 15 सेकंड का दिया हुआ है। मैग्नेटिक कंट्रोल में क्या होता है कि अगर 15 सेकंड से ज्यादा हमारा डोर ओपन रहता है तो अलार्म जनरेट करेगा, तो ये अलार्म जनरेट करेगा, आउटपुट देगा। तो नॉर्मली स्टेट में क्या होता है, नॉर्मल स्टेट में ये क्लोज रहेगा, और नॉर्मल स्टेट में ये क्लोज रहता है। ये हमारा एग्जिट स्विच मैग्नेटिक कंट्रोल हो गया। और उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हमारे आउटपुट्स आ गए, आउटपुट मतलब हमारे लॉग।